साथियों, जय जवान जय किसान। साथियों, बहुत महत्वपूर्ण मुद्दे पर मैं आपसे चर्चा करना चाहता हूं कि आज मध्य प्रदेश को शिवराज सरकार ने कर्ज में डुबोने का काम किया है। आपको मैं आंकड़ा बताना चाहता हूं कि दिग्विजय सिंह सरकार के अंतिम कार्यकाल में जो कर्ज था मध्य प्रदेश के अंदर, उसका 16 गुना कर्ज आज शिवराज गवर्नमेंट में बढ़ चुका है। हर शख्स पर 41,000 रुपये का कर्ज है जो उसको भरना पड़ेगा। उसको सरकार नहीं भरेगी, उसको हर शख्स को भरना पड़ेगा। उसके संपत्ति से वसूली होगी, उसको जेल जाना पड़ेगा। ये तमाम हथकंडे कहीं ना कहीं हमारे बीच पैदा होंगे और उसकी भरपाई मध्य प्रदेश के हर व्यक्ति को करना पड़ेगा। ये मैं बताने के लिए जो है आपसे बात साझा कर रहा हूँ। और इसी तरह बेरोजगारी का आलम है, पूरे मध्य प्रदेश में बेरोजगारी पैदा है, तमाम युवा जो है आत्महत्या की कगार पर हैं। तो इस तरह से जो सरकार का रवैया है, वो सरकार का रवैया ठीक नहीं है। अभी अभी मध्य प्रदेश की सरकार ने फिर से 14 फरवरी 2023 को 3000 करोड़ रुपए का कर्ज लिया है और उसी के कर्ज पर जो है आज विकास यात्राएं चलाई जा रही हैं। लगातार इस प्रदेश का आम आदमी, नागरिक, महिलाएं ये चिल्लाती रही कि साहब गैस महंगी हो रही है, सामग्रियां महंगी हो रही हैं, आप कम करिए। सरकार ने कम नहीं किया। अभी आपने देखा 50 रुपए फिर से जो है गैस के दाम बढ़ गए। तो इस तरह से सरकार जो है चुनावी नाटक कर रही है और ये कर्ज ले करके उसको चुनाव में घोषणा कर रही है। अभी बहनों के लिए स्कीम आई कि 1000 रुपया महीना हम देंगे और हमारी सरकार आई तो हम 100 रुपये में गैस सिलेंडर देंगे। तो अभी किसकी सरकार है? और ये जो आप 1000 रुपया दे रहे हैं, लगातार आपके कार्यकाल में लोग मांग करते रहे महंगाई कम कर दीजिए, तो आपने 50 रुपये भी गैस सिलेंडर के दाम कम नहीं किए, ऊपर से बढ़ाने का काम किया आपने। और आप अब चुनावी जो है खेल खेलने का काम कर रहे हैं। तो मैं सतर्क करना चाहता हूं पूरे आवाम को, पूरे इस प्रदेश के आम जनता को, मतदाताओं को, कि गुमराह होने का काम ना करें और सरकार से सवाल करें कि ये कर्ज जो आप हमें हमारे ऊपर लाद रहे हैं, ये कौन भरेगा। इसके बारे में आज विचार मंथन करने की ज़रूरत है। और ये तमाम जो योजनाएँ स्कीमें लाई जा रही हैं, ये हमें कर्ज पर लादने के लिए लाई जा रही हैं। एक न एक दिन हमें जेल जाना पड़ेगा, हमारी संपत्ति से वसूली होगी। इसलिए मध्य प्रदेश की शिवराज सरकार से सबको सतर्क होकर रहना पड़ेगा और किसी को भी गुमराह होने की जरूरत नहीं है।